कौन नहीं चाहता एक खूबसूरत त्वचा, कौन नहीं चाहता कि भाई हमारा चेहरा भी ग्लो करे। लेकिन जैसे ही बरसातें आती है यानी कि रेनी सीजन आता है कि तुरंत ही चेहरे का ग्लो कम हो जाता है, पिंपल्स हो जाते हैं, एक्नी हो जाती है और हमें हमारी स्किन काफी ज्यादा डार्क से दिखने लगती है, एक काला बन आ जाता है, साथ ही चेहरा बहुत ही ज्यादा चिपचिपा सा हो जाता है, ऑयली सा हो जाता है और बरसातों में फंगल इन्फेक्शन भी स्किन पे बहुत सारे होते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि बरसातों में यानी कि रेनी सीजन में, मॉनसून में भी आपकी स्किन दमकती रहे, चमकती रहे, आपकी स्किन हेल्दी बनी रहे और आपका चेहरा खूबसूरत दिखता रहे, तो चलिए देख लेते हैं आज के वीडियो में कि आपको बरसातों में अपनी स्किन की किस तरीके से केयर करनी चाहिए, अपनी त्वचा की कौन से तरीके से देखभाल करनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही जो भी नेचुरल स्किन केयर वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो वीडियोस आप तक पहुँच पाए और वो वीडियोस देखकर उसका फायदा उठाकर आप भी अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बना पाओ। तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल प्रिंसेस चांदनी फॉरएवर स्किन केयर। सो फ्रेंड्स, बरसातों में यानी कि रेनी सीजन में आपको अपनी स्किन की केयर करने के लिए जो पहला काम करना चाहिए वो ये है कि आपको अपनी स्किन को प्रॉपरली अच्छे से क्लींस करना चाहिए, क्लींस इट वेल, अच्छे से आपके स्किन की क्लींजिंग करनी है। आप नोटिस करोगे कि बरसातों में हमारे स्किन पे ऑयलीनेस आ जाती है, एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से आपका चेहरा काफी ज्यादा चिपचिपा सा हो जाता है। तो उसे अच्छे से साफ करने के लिए आपको दिन में कम से कम 3 बार अपने चेहरे को पानी से धोना है। पानी को अपने चेहरे पे स्प्लैश कीजिए और अपने चेहरे को थपथपाकर एक सॉफ्ट टॉवल की मदद से साफ कर लीजिए। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको नॉर्मल पानी से अपना चेहरा धोना है, बहुत ज्यादा साबुन या फेस वॉश का इस्तेमाल आपको बरसातों में नहीं करना चाहिए। बस पानी लीजिए और सिर्फ पानी से ही अपनी स्किन को अच्छे से क्लींस कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट चीज आपको करनी है वो ये है कि अपनी स्किन को ओवर मॉइस्चराइज नहीं कर लेना है, बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल नहीं करना है। कई सारे लोग विंटर्स में यानी कि ठंड के सीजन में अपनी स्किन को बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज करते हैं, गर्मियों में यानी कि समर्स में भी करते हैं, लेकिन रेनी सीजन ऐसी होती है कि फंगल इन्फेक्शन आपकी स्किन पे बहुत जल्दी हो सकते हैं, आपकी स्किन पे वैसे ही बहुत ज्यादा स्टिकीनेस और ऑयलीनेस आती है, आपके चेहरे पे डलनेस आती है। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर नहीं लगाना चाहिए, एक नॉर्मल सा नॉन स्टिकी सा जो जेल फॉर्म का मॉइस्चराइजर आता है जिसका वाटर बेस होता है वैसे टाइप का मॉइस्चराइजर लीजिए और दिन में एक ही बार अप्लाई कीजिए। रेनी सीजन में स्किन को बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट जो काम आपको करना है फ्रेंड्स वो है आइस फेशियल। आइस फेशियल स्किन के लिए बेहद ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें आपको क्या करना होता है, एक बाउल लेना है, इसके अंदर ठंडा पानी लेना है और उसके अंदर आइस क्यूब्स डालने हैं। अब इस बाउल के अंदर आपको अपना चेहरा 30 सेकंड्स के लिए डालना होता है। तो ये होता है आइस फेशियल। अगर आइस फेशियल आपको सूटेबल नहीं है या फिर आप नहीं करना चाहते हो तो नॉर्मल एक आइस का टुकड़ा ले लीजिए, आइस क्यूब ले लीजिए और फिर इससे अपने पूरे चेहरे पे मसाज कर लीजिए। जब आप आइस फेशियल करते हो या फिर आइस क्यूब की मसाज अपने चेहरे पे करते हो तो आपकी स्किन पे जितने भी पोर्स होते हैं वो श्रिंक होते हैं, मिनिमाइज होते हैं, आपके चेहरे पे जितना एक्स्ट्रा ऑयल आता है वो कंट्रोल होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है जिसकी वजह से आपके चेहरे पे ग्लो आता है, आपके चेहरे पे जितनी भी डलनेस होती है वो हट जाती है, आपकी स्किन काफी ज्यादा फ्रेश दिखने लगती है और एक ब्राइटनेस भी आपके चेहरे पे आती है, साथ ही आपकी स्किन टाइटनिंग करता है, आपकी स्किन को फर्म करता है, मतलब कि फेस लिफ्टिंग का भी काम करता है। तो रेनी सीजन में हमारी स्किन के लिए आइस फेशियल या आइस मसाज बेहद ज्यादा फायदेमंद रहते हैं। जो नेक्स्ट केयर आपको अपनी स्किन की लेनी चाहिए वो ये है फ्रेंड्स कि प्रॉपरली अच्छे से आपको अपनी स्किन की स्क्रबिंग करनी चाहिए ताकि आपके स्किन पे जितनी रफ स्किन की लेयर है वो प्रॉपरली हट जाए, आपकी स्किन प्रॉपरली क्लीन हो
और इसके लिए आपको बाजार से कोई महंगे स्क्रब खरीद कर लाने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत बार अपनी इस चैनल पे बताया है होममेड स्क्रब आप कैसे रेडी कर सकते हो। आप कॉफी से रेडी कर सकते हो, चीनी जो आती है सुगर से रेडी कर सकते हो, राइस फ्लोर यानी कि चावल के आटे से रेडी कर सकते हो। तो इसी तरीके के कोई भी होममेड स्क्रब बना लीजिए और इससे अपने चेहरे की प्रॉपरली अच्छे से स्क्रबिंग आपको जरूर से करनी चाहिए रेनी सीजन में। नेक्स्ट जो बात आपको ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स वो ये है कि रेनी सीजन में मॉनसून में कम से कम मेकअप प्रोडक्ट्स अपने चेहरे पे अप्लाई करने चाहिए, कम से कम मेकअप आपको करना चाहिए। वैसे कोई भी सीजन हो आपको मेकअप नहीं करना चाहिए, मेकअप कभी भी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन स्पेशली मॉनसून में तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आप कम से कम मेकअप करो, और जब भी आप मेकअप करते भी हो तो फिर उसको रिमूव प्रॉपरली आपको करना चाहिए। एक बात कही जाती है कि जितना टाइम आपको मेकअप करने में लगता है उससे डबल टाइम आपको मेकअप रिमूव करने में लगाना होता है, तभी आपका मेकअप आपकी स्किन पे से प्रॉपरली क्लीन होता है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स उसमें आपको अपनी स्किन को विटामिन सी का डबल बूस्ट देना चाहिए। डबल बूस्ट आप विटामिन सी का किस तरीके से दोगे, मतलब कि आपको विटामिन सी खाना भी है और अपनी स्किन पे लगाना भी है, अप्लाई भी करना है। तो आप लेमन वाटर या फिर ऑरेंज जूस जैसे ड्रिंक्स पी सकते हो जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, विटामिन सी वाले फ्रूट्स खा सकते हो, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उन सभी में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होते हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा वैसे फ्रूट्स वैसे ड्रिंक्स लेने चाहिए जिनमें विटामिन सी हो, साथ ही अपने स्किन पे विटामिन सी अप्लाई भी करना है। मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि आप जो संतरे यानी कि ऑरेंज के जो छिलके होते हैं वो संतरे के छिलकों को धूप में सुखा कर उसे पीस कर उसका पाउडर बना लेना चाहिए। ऑरेंज का जो पाउडर होता है, संतरे का जो छिलके का पाउडर होता है, ये रेडीमेड आपको कोई जनरल स्टोर पे भी आसानी से मिल जाता है या फिर आप इस तरीके से घर पे भी रेडी कर सकते हो। ये रेनी सीजन राइट टाइम है उसको यूज करने का। संतरे के छिलके के पाउडर से आप अपने स्किन की स्क्रबिंग कर सकते हो, इसे एज अ फेस पैक लगा सकते हो। अगर आपके पास संतरे के छिलके का पाउडर नहीं है तो आप टमाटर यानी कि टोमेटो का यूज कर सकते हो, अपने स्किन पे टोमेटो से मसाज कीजिए, या फिर कोई भी फेस पैक आप अप्लाई करते हो तो उसके अंदर टमाटर के रस का टोमेटो का जूस जरूर से इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी स्किन को विटामिन सी मिल पाए। बरसातों के सीजन में आपको फेस मास्क रेगुलरली अप्लाई करना चाहिए अपने चेहरे पे। फेस मास्क आपको कोई ज्यादा मॉइस्चराइजिंग वाला नहीं यूज करना है। जो क्ले मास्क होते हैं जिनमें थोड़ी सी ऑयलीनेस को कंट्रोल करने की प्रॉपर्टीज होती है वैसे टाइप के फेस मास्क अपने चेहरे पे अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि आप मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हो, आप बेसन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये चीजें ऐसी है कि आपके चेहरे पे एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करती है और साथ ही आपके चेहरे की डलनेस को दूर करके आपके चेहरे पे ग्लो लेकर आती है। बरसातों में नेक्स्ट जो बात आपको ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स, उस बात का ध्यान आपको हर सीजन में रखना ही चाहिए, जो कि है ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को हाइड्रेटेड रखना चाहिए ताकि आपकी स्किन भी प्रॉपरली हाइड्रेटेड हो। आपकी स्किन अगर प्रॉपरली हाइड्रेटेड होती है तो कभी भी आपके चेहरे पे डलनेस नहीं आएगी। नेक्स्ट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कम से कम मीठा खाएं, कम से कम तला भुना हुआ खाएं, कम से कम जंक फूड खाएं। बरसातों में वैसे भी तली हुई चीजें खानी बहुत ही ज्यादा सभी को पसंद होती है, जैसे कि पकौड़े हैं, लेकिन आपको कंट्रोल करना चाहिए जंक फूड, स्पाइसी फूड या फिर मीठा ज्यादा तला भुना ऑयली चीजें ज्यादा नहीं खाना चाहिए ताकि आपकी स्किन हेल्दी बनी रहे, ग्लोइंग बनी रहे। इसी के साथ आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप योगा कर सकते हो, आप वॉकिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, या फिर कोई भी होम वर्कआउट वीडियो देखकर भी आप कर सकते हो। तो कोई भी टाइप की एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपके चेहरे पे ग्लो आएगा और आपकी स्किन हेल्दी बनी रहेगी। सो फ्रेंड्स इस तरीके से अगर आप इस रेनी मॉनसून बरसातों के सीजन में अपनी स्किन की केयर लोगे तो आपकी भी त्वचा खूबसूरत बनेगी, आपकी स्किन हेल्दी बनेगी और आपके चेहरे पे ग्लो भी रहेगा, आपकी स्किन टोन भी डल नहीं होगी, ब्राइट बनी रहेगी। तो जरूर से अपनी स्किन की केयर कीजिए
और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग। बाय, सी यू सून।